ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि कौन कौन सी ऐसे एंटीबायोटिक्स आते हैं या कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करते हैं आपका, इनहिबिट। सो द टॉपिक इज इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो एंटीबायोटिक हम पढ़ेंगे दैट इज योर प्यूरोमाइसिन। ठीक है, सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी आपकी, प्यूरोमाइसिन। ठीक है, अब प्यूरोमाइसिन का क्या बेसिकली, एक तो ये मिलती किससे है, तो प्यूरोमाइसिन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बोनाइजर, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बोनाइजर। जैसे नाम से तो लगता है कि फंगस है, बट ये बैक्टीरिया होते हैं। दैट इज योर एक्टिनोमाइसिटीज, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बो नाइजर। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं आपके, एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द जो आप एंटीबायोटिक्स देखोगे वो उसका जीनस यही है, बट स्पीशीज अलग अलग होती हैं। तो कई बार ये भी पूछ लेता है आपसे। सो प्यूरोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बो नाइजर। ठीक है, अब ये कैसे इनहिबिट करती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो एंटीबायोटिक है इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू द, वेरी सिमिलर टू द थ्री प्राइम एंड, वेरी सिमिलर टू द थ्री प्राइम एंड ऑफ एन अमीनो एसाइल टी आर एन ए, अमीनो एसाइल टी आर एन ए एनेबलिंग इट टू बाइंड, एनेबलिंग इट टू बाइंड टू द राइबोसोमल ए साइट, बाइंड टू द राइबोसोमल ए साइट एंड पार्टिसिपेट्स इन, एंड पार्टिसिपेट्स इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कॉमा प्रोडक्शन ऑफ पेप्टिडाइल प्यूरोमाइसिन, प्रोडक्शन ऑफ पेप्टिडाइल प्यूरोमाइसिन। मतलब ये ऐसी एंटीबायोटिक है, ये खुद टीआरएनए की जगह आके लग जाएगी और ऑलरेडी जितना पेप्टाइड बना होगा उसके साथ ही आगे लग जाएगी। ठीक है, तो पेपर में बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक होती है जिसका स्ट्रक्चर थ्री प्राइम एंड ऑफ टीआरएनए की तरह होता है, तो उसका क्या आंसर होगा, प्यूरोमाइसिन। ठीक है, मतलब एक तो क्या होता है ना, जितने भी आप एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि वो कौन से स्टेप को इनहिबिट करती हैं। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती हैं, कुछ हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ी थी, और अभी हम फिलहाल क्या डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, ऐसे फिर सेकेंड एंटीबायोटिक का नाम है आपका टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो फर्स्ट होगी प्यूरोमाइसिन, सेकेंड वी हैव टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये हमें एक बैक्टीरिया से मिलती है, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेशियंस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेशियंस, ओरोफेशियंस। ठीक है, ये क्या करती है, इट ब्लॉक्स द ए साइट ऑफ राइबोसोम। ये एंटीबायोटिक कहां पे जाके लगती है, इट ब्लॉक्स द ए साइट ऑफ राइबोसोम, ए साइट ऑफ राइबोसोम कॉमा प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ, प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइल टी आर एन ए, प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ
अमीनो एसाइल टीआरएनए। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन ये कहाँ पे जाके बाइंड करती है, ए साइट पे। देन वी हैव क्लोराम फेनिकोल, ऑब्वियसली ए साइट पे अगर ये आगे लगी क्योंकि तो हमेशा नया टीआरएनए ए साइट पे आता है। ठीक, थर्ड वी हैव क्लोराम फेनिकोल, क्लोराम फेनिकोल। ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक है ये बेसिकली हमें मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएला, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएला, माइसिस वेनिजुएला। और ये जो एंटीबायोटिक है ये जनरली इट इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाय बैक्टीरियल इन ब्रैकेट क्लोरोप्लास्ट, जैसे क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर भी 70S राइबोसोम होते हैं और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में भी कौन से होते हैं आपके 70S। सो इट इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय बैक्टीरियल इन ब्रैकेट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स बाय ब्लॉकिंग पैप्टिडाइल ट्रांसफरेज, बाय ब्लॉकिंग पैप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो ये हमने डिस्कस किया था जब हमने ट्रांसलेशन पढ़ा था। तो जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है दैट इज प्रेजेंट इन योर 23S राइबोसोमल आरएनए। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में क्या होता है आपका 23S राइबोसोमल आरएनए, बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है 23S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो क्लोराम फेनिकोल बैक्टीरिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन तीनों में ही ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती है। देन वी हैव साइक्लोहेक्सीमाइड, ये एक और एंटीबायोटिक होती है जो कि हमें मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस से। तो नेक्स्ट एंटीबायोटिक का क्या नाम है, साइक्लोहेक्सीमाइड, साइक्लोहेक्सीमाइड। अब ये दोनों एंटीबायोटिक्स में क्या डिफरेंस होता है, दोनों करती पैप्टिडिल ट्रांसफरेज को ही है, लेकिन जो आपकी क्लोराम फेनिकोल है वो बैक्टीरिया में करती है, और एक और एंटीबायोटिक है जिसका नाम है बेसिकली आपका साइक्लोहेक्सिमाइड, साइक्लोहेक्सिमाइड। ये हमें मिलती है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस। इट ब्लॉक्स द पैप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी ऑफ एटीएस यूकेरियोटिक राइबोसोम्स। मतलब ऑब्वियसली एटीएस के अंदर जो पैप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है वो किसके पास होती है, आपके 28S राइबोसोमल आरएनए, किसके पास होती है 28S राइबोसोमल आरएनए। किसके पास होती है 28S राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो दोनों एंटीबायोटिक्स है ना, एक है आपकी क्लोराम्फेनिकोल और एक आपकी साइक्लोहेक्सिमाइड। क्लोराम फेनिकोल किसमें इनहिबिट करती है, बैक्टीरिया के अंदर, और साइक्लोहेक्सिमाइड किसमें करती है, यूकैरियोट्स में। ठीक है ना, अब यूकैरियोट में चाहे कोई फंगस है या जितने भी आपके यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है ना, कई बार वो ट्विस्ट करने के लिए मान लो किसी प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल लिख देगा किसी फंगस का, तो यू शुड नो कि ये प्रोकैरियोट होता है या यूकैरियोट होता है। ठीक है, बट दोनों की दोनों एंटीबायोटिक्स दे आर इनहिबिटिंग ट्रांसलेशन बाय इनहिबिटिंग पैप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। इन केस ऑफ बैक्टीरिया पैप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इज इन 23S राइबोसोमल आरएनए एंड इन यूकैरियोट्स इट इज प्रेजेंट इन 28S। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हमें मिलती है बेसिकली फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस, ये भी हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस से मिलती है।
स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस। ये एंटीबायोटिक क्या करती है देखते हैं। सो इट बाइंड्स टू स्मॉल, इट बाइंड्स टू स्मॉल 16S राइबोसोमल आरएनए, 16S राइबोसोमल आरएनए ऑफ 30S सब यूनिट, ऑफ 30S सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम, ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम्स इंटरफेयरिंग विद, इंटरफेयरिंग विद इंटरफेयरिंग विद बाइंडिंग ऑफ फॉर्माइल मिथ्युनिन टीआरएनए, मतलब वो टीआरएनए जिसके साथ, मतलब ये तो एक तरह से इनिशिएशन ही नहीं होने दे रही, क्योंकि 16S के साथ ही हमने पढ़ा था एमआरएनए की कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है, तो ये तो 16S के साथ जाके लगी, जिसके कारण आपका जो इनिशिएटिंग टीआरएनए है ठीक है वो 30S के ऊपर बाइंड ही नहीं कर पाएगा। देखो ना, अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ इनिशिएशन पे स्टॉप कर देती हैं, कुछ एलोंगेशन पे कर देती हैं, ठीक है। और वही है ना, देखो मोस्ट ऑफ द जो है वो, क्योंकि ये एक मेन फीचर है कि बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम 70S है, हमारे अंदर 80S है, तो दे आर किलिंग बैक्टीरिया ओनली, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमारे भी 70S होते तो वो फिर हमें भी इफेक्ट करती। बाकी है कि हमारे अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हमें ऐसा डिजाइन भी करना होता है कि वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ना चली जाए और जाए भी तो उसका इफेक्ट ना हो, क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो 70S है ना, बाकी तो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट तो हमारे अंदर होता नहीं है, ठीक है। एक एंटीबायोटिक होती है इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, वही है ना, हमने क्या डिस्कस करें, डिफरेंट स्टेप्स जो ट्रांसलेशन के स्टेप्स हैं उन्हीं में अलग अलग जगह इनके टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक का नाम है आपका इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। फिर हम कुछ टॉक्सिन्स भी देखेंगे जो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं। इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन हमें एक बैक्टीरिया से मिलती है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रेसियस। ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक है ये बाइंड करते हैं, इट बाइंड्स टू पेप्टाइड एक्सिट टनल ऑफ 50S, मतलब ये ई साइट पे आगे लग जाती है, पेप्टाइड एक्सिट टनल ऑफ 50S। ऑब्वियसली अगर ये एग्जिट वाली साइड पे आगे लगी तो फिर आपका ट्रांसलेशन रुक जाएगी, ठीक है। सो इट ब्लॉक्स एग्जिट ऑफ द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, एग्जिट ऑफ द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम द राइबोसोम, पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम द राइबोसोम कोमा अरेस्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम द राइबोसोम कोमा अरेस्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, एग्जिट टनल, क्योंकि जो एग्जिट साइट होती है जो कि मेनली 50S कंट्रीब्यूट करती है, वहां पे ये जाके लग जाती है, ठीक है। तो ये सारी सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो, जैसे इसमें सिर्फ एक साइक्लोहेक्सीमाइड को छोड़ के बाकी सारी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसलेशन को इनिबिट करती हैं, ठीक है। अब जैसे हम देखें कुछ टॉक्सिन्स, जैसे कुछ टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर ट्रांसलेशन को इनिबिट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक टॉक्सिन की हम बात करेंगे जिसका नाम है डिप्थीरिया टॉक्सिन। डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया करता है जिसका नाम है कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन बनाता है, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, डिप्थीरियाई। ठीक है, और ये जो डिप्थीरिया होता है इसमें बेसिकली क्या होता है, यहां पर एक तरह से एडीपी राइबोसाइलेशन होती है,
एडीपी, ये टॉक्सिन क्या करता है एक तरह से, एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ डिप्थामाइड, डिप्थामाइड एक तरह से क्या होता है, इट इज ए मॉडिफाइड रेजिड्यू ऑफ हिस्टिडिन, रेजिड्यू ऑफ हिस्टिडिन, ऑफ यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर टू। किसकी राइबोसेलेशन कराता है ये, एडीपी राइबोसेलेशन ऑफ डिप्थामाइड। मतलब ये एक तरह से मॉडिफाइड हिस्टिडिन रेजिड्यू होता है किसका, यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर टू। यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर हमने टू पढ़ा था, इसका वही काम होता है जो बैक्टीरिया के अंदर ईएफजी का काम होता है, दैट इज ट्रांसलोकेशन। जो बैक्टीरिया में ट्रांसलोकेशन ये कराता है ना, हमारे अंदर ट्रांसलोकेशन ये प्रोटीन कराता है। ऑब्वियसली अगर ट्रांसलोकेशन ही नहीं होगी तो ट्रांसलेशन आपकी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना आप कि इस टॉक्सिन के पास एक एक्टिविटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एडीपी राइबोसाइलेशन एक्टिविटी। ठीक है, ऑब्वियसली ये हमारे अंदर ट्रांसलेशन को इनहिबिट करेगा। तो जो होता है ना, जैसे इसकी जो वैक्सीन भी आती है डीपीटी, जो कि मेन ये टॉक्सिन करता है, तो इस टॉक्सिन को हम टॉक्सॉइड बना के एज ए वैक्सीन यूज करते हैं। इस टॉक्सिन से हम क्या बना देते हैं, टॉक्सॉइड। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है राइसिन, ये भी एक टॉक्सिन होता है, राइसिन, राइसिन। सो राइसिन जो है ये बेसिकली आपका जो कैस्टर बीन्स होते हैं उसके अंदर होता है, एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक प्रोटीन ऑफ कैस्टर बीन्स, टॉक्सिक प्रोटीन ऑफ कैस्टर बीन्स इनएक्टिवेट्स द 60S7-8, इनएक्टिवेट्स द 60S7-8 ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स बाय डी प्यूरिनेटिंग ए स्पेसिफिक एडिनोसिन, बाय डी प्यूरिनेटिंग ए स्पेसिफिक एडिनोसिन इन 28S राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो दोनों टॉक्सिन है ये हमारे अंदर क्या करते हैं, इनहिबिट ट्रांसलेशन, एक आपका डिप्थीरिया टॉक्सिन और एक आपका राइसिन। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से जो 28S राइबोसोमल आरएनए होता है उसमें एक स्पेसिफिक एडिनोसिन को रिमूव कर देता है, एंड दैट ऑल्सो अफेक्ट यूर ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये जो कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ टॉक्सिन, पहला सिंपल क्वेश्चन तो यही कि आपको नाम ही बताओ कि ये जो एंटीबायोटिक्स हमने पढ़े हैं, चाहे प्यूरोमाइसिन है आपका, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोराम फेनिकोल है, साइक्लोहेक्सीमाइड है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ऑल ऑफ देम आर ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स। ठीक है, उसमें से सिर्फ एक साइक्लोहेक्सीमाइड है जो यूकेरियोट्स में करती है, और ये दोनों टॉक्सिन तो ऑब्वियसली हमारे अंदर ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं।